नमस्कार, मैं नीता आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी 2007 की है। एक लड़की जो अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी, एक लड़का उसे पाना चाहता था। उसे पाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। जब उसके सारे प्रयास विफल हो गए, फिर उसने सज्जन बनकर उसके घर वालों के सामने प्रस्तुत हुआ और अपना हेल्पिंग नेचर दिखाया। ये सिलसिला लगभग 2 साल चलता रहा और अंततः लड़का अपने मकसद में कामयाब हो गया और घर वालों ने उसकी शादी उससे कर दी। अब असली कहानी शुरू होती है। 2 महीने बाद जब लड़के ने अपना असली रंग दिखाया, उसको तलाक की धमकियां देकर डराने लगा। लड़की सब कुछ सहते हुए इस रिश्ते को बखूबी निभाती रही। कहते हैं, झुकने से रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। औरत के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि आपसे ही आपका बेटा सीखेगा कि औरत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और आपकी बेटी सीखेगी कि आदमियों से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। औरत की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माने की है। लड़का लगातार उस लड़की को धोखा देता रहा। 2018 में जब लड़की को संदेह हुआ कि इसका अफेयर किसी से चल रहा है, तब लड़की ने उससे पूछा कि मुझे आपके व्यवहार से लगता है कि आपका अफेयर किसी से है। इस बात को सुनकर लड़के ने कहा उस लड़की से, सारा समाज हमें इतनी इज्जत देता है और तू हम पे इल्जाम लगा रही है, क्या सबूत है तेरे पास कि हम गलत हैं? और इतना ही नहीं, लड़के ने उस लड़की को मारा पीटा और वो किया जो हम सब में से आप कोई नहीं सोच सकते। रात को जब बीवी बच्चे सो गए, तो सोते हुए बीवी बच्चों पर उसने मिट्टी का तेल डाल दिया। फिर वो मंजर था कि लड़की अपनी आंखों से अपनी मौत को सामने देख रही थी और अपनी मौत से लड़ते हुए उसने तीली को जैसे तैसे रोका और अपनी जान बचाई। कहते हैं, जाको राखी साइयां, मार सके ना कोई, बाल ना बाका होए उसका जो जग बैरी होए। लड़की ने अपनी जान बचा ली। इतने बड़े अपराध को भी लड़की ने ये सोच के माफ कर दिया कि शायद अब ये सुधर जाए, पर लड़के ने ये सोचा कि इतने बड़े अपराध पर भी इस लड़की ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और लगातार वो उसे धोखा देता रहा। लेकिन ये सच है कि सरल व्यक्ति के साथ अगर आप छल करेंगे तो आप अपनी बर्बादी के रास्ते स्वयं खोल रहे हैं, आप चाहे फिर शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। अकेले में एक बार लड़का उस औरत को घर ले आया और लड़की को कानो कान खबर नहीं थी, पर उसे नहीं पता था कि वो जाल में फंस चुका है। पर वो जाल में जब फंसा, जब सारा देश कोरोना काल में फंसा हुआ था, लॉकडाउन में फंसा हुआ था, लड़की के पास सारे सबूत, पर बहुत देर हो चुकी थी, लड़की कुछ नहीं कर पाई, चाहकर भी उसे सजा ना दिला पाई। इस लॉकडाउन में बेचारी कहाँ जाती, और घुटकर उसके साथ ही एक ही कमरे में उसे मजबूर होकर रहना पड़ रहा है। कहते हैं, औरत बेवजह भावुक हो सकती है पर बेवजह कठोर नहीं होती। बाहर से कमजोर दिखने वाली औरत को खुदा ने अंदर से इतना मजबूत बनाया है कि वक्त आने पर वो अपने माँ बाप का बेटा और अपनी ही औलाद के लिए बाप भी बन जाती है। और ये सोच के लड़की उसके साथ रह रही है, घुट घुट के जी रही है। समय सीमित है, कहानी खत्म हो गई। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि अब लड़की को अपने बच्चों और अपने लिए कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ सिक्योर नहीं है। लड़की समाज की परवाह करती है कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। तो मैं आप सभी सम्माननीय दर्शकों से करवद निवेदन करती हूँ कि लड़की को इस समाज की परवाह है तो क्यों ना इसका हल समाज के द्वारा ही निकाला जाए। सो प्लीज़ आप अपनी राय दीजिए कि लड़की को अब क्या करना चाहिए। क्या उसे तलाक देकर अपने पति को छोड़ देना चाहिए, या उसे अपने पति को सजा दिलानी चाहिए, या अमानवीय व्यवहार को सहते हुए उसके साथ जीवन यापन करना चाहिए। प्लीज़ आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी एक राय पर किसी के का जीवन निर्भर करता है और आपकी एक सलाह से, आपकी एक राय से किसी के जीवन को नई दिशा मिल सकती है। सो प्लीज़ अपनी राय अवश्य दीजिए। धन्यवाद।